आज मैं कुंदन कुमार क्लास 7 की हनीकम की अंग्रेजी की बुक की आज मैं 10 स्टोरी ऑफ क्रिकेट चैप्टर की चर्चा करूँगा। इसमें आप वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस, इवन जो हार्ड वर्ड है उसकी भी इसमें मैं चर्चा करता चलूँगा। कहते हैं द स्टोरी ऑफ क्रिकेट, अर्थात क्रिकेट की एक कहानी। तो इसमें ज़रा सा बिफोर ओरिएंट की स्टडी करता हुआ चलता हूँ कि स्पोर्ट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ। स्पोर्ट मतलब जो खेल होता है, खेल स्वस्थ जीवन का एक अभिन्न अंग है। हेल्दी मतलब स्वस्थ, जीव लाइफ मतलब जीवन, और इंटेग्रल मतलब होता है अभिन्न अंग। इट इज़ वन वे इन विच वी अम्यूज आवर सेल्व्स, कंपीट विथ ईच अदर एंड स्टे फिट। यह एक तरीका होता है, इट इज़ वन वे, एक तरीका होता है जिससे हम अपना मनोरंजन करते हैं। अम्यूज़ मतलब मनोरंजन करना, आवर सेल्व्स मतलब यहाँ जो है वो एक आवर सेल्व्स का मतलब यहाँ हो गया अपना, कम्पीट विथ ईच अदर और एक दूसरे से क्या करते हैं तो मुकाबला भी करते हैं, बोले कंपटीशन, कंपटीशन भी करते हैं, एंड स्टे फिट और फिट भी रहते हैं। अमोंग द वेरियस स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस, क्रिकेट अपीयर्स टू बी द मोस्ट अपीलिंग नेशनल एंटरटेनमेंट टूडे। अब देखा जाए जहाँ तक कि हॉकी, फुटबॉल और टेनिस जैसे खेलों में आज क्रिकेट सबसे ज़्यादा क्या है, आकर्षक राष्ट्रीय मनोरंजन आज के दिनों में है। एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन। दूसरा हम यहाँ देख रहे हैं अमोंग, अमोंग का मतलब होता है के बीच में, लेकिन अमोंग का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब मोर देन टू का इस्तेमाल करना पड़े। जैसे कि अभी इतने देख भी रहे हैं हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस, मोर देन टू है इस कारण इसके साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और दो के लिए बिटवीन का। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट। अब देखते हैं कि हम क्रिकेट के खेल के बारे में कितना जानते हैं, हाउ मच मतलब कितना। अब जरा सा इसका पेज को थोड़ा सा हल्का आगे बढ़ाता हुआ, कहता है कि क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ द मेनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स अगो। क्रिकेट इंग्लैंड में 500 साल पहले अलग अलग नियमों के तहत खेले जा रहे गेंद एवं डंडे, स्टिक मतलब डंडा और बॉल मतलब गेंद, से पैदा हुआ। ग्रू मतलब जन्म होना, पैदा होना, ग्रू आउट मतलब निकलना, पैदा होना इसकी। अब द वर्ड बैट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब। ये जो वर्ड जो जिसके बारे में आप जानते हैं, जो बैट जो वर्ड है, जो अंग्रेजी भाषा का एक पुराना शब्द है, अंग्रेजी भाषा का पुराना शब्द, ओल्ड इंग्लिश वर्ड है ये, जो कि आपको मैं जब आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश को भी पीरियड के मुताबिक अलग अलग पोर्शन में बांटा गया है। जैसे ओल्ड इंग्लिश अलग है, मिडिल इंग्लिश अलग है और मॉडर्न इंग्लिश अलग है। अब जिसका मतलब क्या होता है, स्टिक और क्लब अर्थात डंडा या कुंदा, क्लब मतलब कुंदा होता है। बाय द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी तक क्रिकेट हैड इवॉल्व्ड इनफ टू बी रिकॉग्निजेबल एज डिस्टिंक्ट गेम। अब लगभग कहा जाए कि 17वीं शताब्दी में एक खेल के रूप में क्रिकेट की एक आम पहचान बन चुकी थी। यहाँ रिकॉग्निजेबल मतलब पहचान, एज ए डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी पहचान जिसको कहते हैं डिस्टिंक्ट गेम इस रूपों से। और टिल द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी बैट्स वो रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम। अब क्या हुआ, 18वीं शताब्दी के मध्य तक बल्ले की बनावट हॉकी स्टिक की तरह नीचे से मुड़ी होती थी। कब तक, 18वीं शताब्दी तक, किसके जैसे, बिल्कुल हॉकी स्टिक के जैसे। अब देयर वॉज अ सिंपल रीज़न फॉर दिस, द बॉल वॉज बाउल्ड अंडर आर्म। इसका एक सिंपल रीज़न था कि बॉल लुढ़क कर अंडर आर्म तक फेंकी जाती थी अलोंग द ग्राउंड, एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट गिव द बैट्समैन द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट कि ताकि, और बैट के निचले सिरे का जो हिस्सा था जो घुमाव बल्लेबाज को गेंद से संपर्क साधने में उसकी मदद करता था। कौन कर मतलब मुड़ा हुआ। अब क्या हुआ,
कि वन ऑफ द पिकुलरिटीज ऑफ क्रिकेट इज दैट टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days. अब देखा जाए सबसे बड़ी खास बात, खूबियाँ, पिकुलरिटीज मतलब होता है खूबियाँ, क्रिकेट की खूबियों में से एक है कि एक टेस्ट मैच बिना खत्म हुए 5 दिन तक चल सकता है. क्रिकेट इज दैट टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days, लगातार चल सकता है. एंड स्टिल एंड, अब इसके बाद जस्ट आगे वाले पेज पे चलता हूँ, स्टिल इन अ ड्रॉ. यहाँ जो स्टिल जो वर्ड देखे वो पीछे वाले पेज में आपका दिया था, इसका मतलब हुआ कि सबसे बड़ी क्रिकेट की खूबियाँ तो ये भी है जो कि आप अभी पीछे वाले में आपने सुना कि टेस्ट मैच बिना खत्म हुए 5 दिन तक चल सकता है. यहाँ ड्रॉ जो वर्ड यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ड्रॉ का मतलब है क्या, रिजल्ट ऑफ अ गेम इन विच नीदर साइड विंस और लॉसेस. ड्रॉ का मतलब जो कि खास करके आप लोग तो अभी करेंट एज के बच्चे हैं तो आप लोग को पता भी होगा कि ड्रॉ का मतलब होता है एक ऐसी रिजल्ट जो कि किसी भी साइड नहीं जाता, जो कि ना वो जीतने वालों के पास और ना वो हारने वाले के पास, किसी का रिजल्ट इसमें क्लियर नहीं हो पाता. नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट. अब कहा जाए किसी भी अन्य आधुनिक खेल, नो अदर मॉडर्न टीम, जो कि कह सकते हैं किसी भी अन्य आधुनिक खेल के ख़त्म होने में इससे आधा वक्त भी नहीं लगता. अ फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन एन आवर एंड अ हाफ. अगर देखा जाए तो एक फुटबॉल मैच करीब 1.5 घंटे चलता है. यहाँ एन आवर एंड हाफ का मतलब हो गया 1.5 घंटे, 1 घंटा 30 मिनट्स कह सकते हैं. इवेंट बेसबॉल कम्प्लीट्स 9 innings इन लेस दैन हाफ द टाइम दैट इट टेक्स टू प्ले अ लिमिटेड ओवर्स मैच, द शॉर्टेस्ट वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट. अगर देखा जाए कि जैसे बेसबॉल की अगर मैं बातें करूँ, यहाँ जो देख रहे हैं बेसबॉल जैसे आधुनिक जमाने के लिहाज से अपेक्षाकृत देखा जाए लेस दैन हाफ द टाइम, जो कि लंबे खेल में भी उतने समय में 9 पारियाँ हो जाते हैं, टाइम दैट इट टेक्स टू प्ले लिमिटेड ओवर मैच, कितने तो 9 innings, उतने मैच हो जाते हैं जितने में क्रिकेट के जो लघु खेल की मैं बातें करूं तो लघु खेल जो शॉर्टेस्ट वर्जन है वो एक यानी एक दिवसीय मैच की एक पारी हो जाती है, अर्थात इतना लंबा इस खेल को खेला जाता है. अब अनदर क्यूरियस करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिकेट इज दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड 22 yards. अब इसमें हम देखते हैं कि दूसरी क्रिकेट की एक और दिलचस्प खास बातें तो ये है, क्यूरियस मतलब दिलचस्प, एक दिलचस्प खास बातें तो ये है कि पिच की लंबाई कितनी होती है, द लेंथ ऑफ द पिच, पिच की लंबाई कितनी होती है 22 yards, बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट. अगर देखा जाए पर मैदान का आकार एक सा नहीं होता, मैदान बोले तो खेलने वाला ग्राउंड. Most other team sports such as hockey and football lay down the dimensions of the playing area. अब क्या हुआ कि जहाँ तक कि मैं बातें करूँ कि हॉकी फुटबॉल जैसे दूसरे टीम खेल के में मैदान के आयाम उसके तय होते हैं, lay down the dimensions of the playing area, जो कि बिल्कुल तय होता है दूसरे की बात करूँ, लेकिन क्रिकेट doesn't, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता. Grounds can be oval like the Adelaide ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक चेपॉक इन चेन्नई. अगर देखा जाए जैसे कि इसकी लंबाई जो कैसी होती है बनावट इसकी, तो एडिलैंड ओवल की तरह मैदान अंडाकार हो सकता है, तो चेन्नई के चेपॉक की तरह लगभग गोल, चेपॉक जो अ सिक्स एट द मेलबोर्नी क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड दैन इट डज एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली. देखा जाए कि मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में छक्का होने के लिए गेंद को काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है, यहाँ देख रहे हैं ना, बता रहा है असिक्स मतलब यहाँ सिक्सर से है अर्थात छक्का से, कि उसकी 6 रन को तय करने के लिए कितनी बहुत लंबी दूरी को तय करना पड़ता है, जबकि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में थोड़े प्रयास में ही गेंद सीमा रेखा के पार जाकर गिर जाती है. मोर ग्राउंड दैन इट डज एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली. देर इज ए हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड, थोड़ा सा इस पेज को हल्का सा आगे बढ़ाता हूँ. अब कहता है कि देर इज अ हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दिस ऑडिटीज. अब यहाँ ऑडिटीज का मतलब होता है जो कि मैं कह सकता हूँ अजूबा. इन दोनों अजूबों के पीछे हिस्टोरिकल रीजन
क्या है, एक ऐतिहासिक कारण है। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड। क्रिकेट का जो अगर बात करूँ कायदे कानून से बंधने वाले जो ये खेल है, जो बिल्कुल पूर्ण रूपेण ये क्या है, तो रूल एंड रेगुलेशन से बंधे होते हैं। कोडिफाइड का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज्ड विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस। द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रन अप इन 1744। अगर देखा जाए क्रिकेट के कानून पहले पहला कब आया, 1740 में से लिखा गया, रिटन से लिखा गया कब, 1744 में, 1744। दे स्टेटेड द प्रिंसिपल्स शैल चूज फ्रॉम अमंगेस्ट द जेंटल मैन प्रेजेंट टू अम्पायर्स हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद। अब क्या हुआ कि उनके मुताबिक जो हाजिर शरीफों में से दोनों प्रिंसिपल, जो कप्तान, दो अंपायर चुनेंगे जो किसी भी विवाद को निपटाएंगे। अब यहाँ जो वर्ड अभी आप देख रहे हैं कि अमंगेस्ट, अमंगेस्ट का मतलब क्या होता है, अमंगेस्ट का मतलब ही होता है बीच में ही। लेकिन याद रहे कि अमंगेस्ट का इस्तेमाल हम पूरे की पूरी इंग्लिश की दुनिया में मात्र दो ही जगह कर सकते हैं, यानी तो अमंगेस्ट के जस्ट बाद आने वाला वर्ड का जो साउंड होगा वो वावेल होगा, और या नहीं तो अमंगेस्ट के जस्ट बाद आने वाला नाउन पुल्लर नंबर नाउन होगा। क्योंकि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि पुल्लर नंबर नाउन जेंटलमैन है, जेंटलमैन तो लगाया नहीं, जेंटलमैन है, जेंटलमैन के जस्ट बगल में आर्टिकल द लगाना लगाया, इस कारण यहाँ इसी के साथ हम अमंगेस्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। द स्टंप्स मस्ट बी 22 इंचेस हाई एंड द बेल अक्रॉस देम 6 इंचेस। अगर देखा जाए स्टंप कितने इंच, 22 इंच ऊंचे होंगे, उनके बीच की गिल्लियाँ यहाँ जो अभी आप देख रहे हैं बेल अक्रॉस, जिसका मतलब गिल्लियाँ होता है, जो गिल्लियाँ लगभग कितने इंच, 6 इंच की। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces, और गेंद की जो वजन है वो कितनी होनी चाहिए, 5 से 6 ounces के बीच होगा। एंड टू सेट्स ऑफ स्टम्प्स 22 yards, और स्टम्प के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 22 गज होगी। यहाँ yards, yards का मतलब होता है, yards मतलब होता है गज, क्लियर। इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। चलिए अब यहाँ से आता हूँ अपार्ट। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन हैम्बल्टन इन द 1760s, एंड द मेरिलबोन क्रिकेट क्लब MCC वॉज फाउंडेड इन 1787। यहाँ MCC जो देख रहे हैं इसका ये फुल फॉर्म मेरिलबोन क्रिकेट क्लब है। इससे अपार्ट से पहले तक मैं आपको बता दिया था कि टू सेट्स ऑफ स्टम्प्स 22 यार्ड्स अपार्ट, लगभग स्टम्प के बीच की दूरी कितनी होगी, 22 गज। अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्टन में 1760 के दशक में बना, और मेरिलबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 में हुई। यहाँ फाउंड, फाउंड का मतलब हो गया स्थापना हुआ। ड्यूरिंग द 1760s एंड 1770s इट बीकेम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रादर देन रोल इट अलोंग द ग्राउंड। अब क्या हुआ कि 1760 के दशक में जमीन पर लुटकाने की जगह गेंद को हवा में लहराकर आगे पटकने का चलन हो गया था। कब से कब तक, 1760 से लेकर 1770 तक, इसके बीच में। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शंस ऑफ लेंथ डिसेप्शन थ्रू द ईयर। यहाँ बॉलर्स है जो बॉलिंग कराते हैं उसी को बॉलर्स कहते हैं। अब यहाँ डिसेप्शन थ्रू द ईयर है, डिसेप्शन का मतलब होता है चकमा, जो कि हवा में जो बॉल उछालने वाले या बॉलर जो बॉल उछालने का काम करते थे, ये भी। इससे गेंदबाजों को गेंद की जो लंबाई का तो विकल्प मिल ही गया था, द ऑप्शंस ऑफ लेंथ उसका विकल्प तो मिला ही, साथ साथ में हवा में चकमा भी दे सकते थे, रिसेप्शन थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज्ड पेस। इतना ही नहीं, और इसके अलावा वो पहले से कहीं अधिक गेंद भी फेंक सकते थे। इट ऑल्सो ओपेंड न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग। ये पॉसिबिलिटीज मतलब संभावना। अब ये बातें कि इससे स्पिन और स्विंग के लिए भी नए दरवाजे खोले। इट ऑल्सो ओपेंड न्यू पॉसिबिलिटीज, संभावना स्पिन और स्विंग के लिए। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सेलेक्शन। अब इस पर इतना ही नहीं, जवाब में बल्लेबाजों को अपनी टाइमिंग व शॉट पर महारत हासिल करनी थी। अब मास्टर मतलब जो कि किसी भी फील्ड में आप अपने आप को उसमें एक्सपर्ट बन जाना, उसी को मास्टर वर्ड यहाँ वर्ब के रूप में दिया है। वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कब बैट विद द स्ट्रेट वन। अब कहता है क्या कि इतना ही नहीं, एक नतीजा तो फौरन यह हुआ कि मुड़े हुए बल्ले की जगह सीधे बल्ले ने अपना स्थान ले लिया।
The weight of the ball was limited to between 5 whole 1/2 to 503/4 ounces and the width of the bat to 4 inches. यहाँ width का मतलब चौड़ाई होता है. अब यहाँ तक कि बॉल की अगर वजन की बात करा जाए तो बॉल की वजन कितना, अब 5.5 से लेके 4.5 ounces तक हो गया. और बल्ले की चौड़ाई, द विड्थ ऑफ द बैट टू 4 इंचेस, बल्ले की चौड़ाई कितनी हो गई, 4 इंच कर दी गई. इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वाज पब्लिश्ड. अब क्या हुआ 1774 में, अब पहले लेग बिफोर विकेट प्रकाशित जो उसका नियम था वो हुआ. लगभग ऑल्सो अराउंड दिस टाइम, लगभग उसी इसी समय अ थर्ड स्टंप बिकेम कॉमन. अब क्या बोलो, उसी समय तीसरे स्टंप का चलन भी हो गया, वो उसमें भी आ गया. थोड़ा सा हल्का सा इसको आगे खिसकाता हूँ. चलिए अब कहता है क्या कि बाई 1783 डेज हैड बिकम द लेंथ ऑफ अ मेजर मैच एंड दिस ईयर ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल. यहाँ सीम है, SEAM, सीम, सीम का मतलब होता है सीवन, जो कि कहा जाए कि अगर 1770 तक बड़े मैचों की अवधि 3 दिन की हो गई थी, कितनी, यहाँ मेजर मैच की अवधि कितनी, बिकम द लेंथ ऑफ अ मेजर मैच कितनी दिन, 3 डेज उसकी अवधि हो गई थी. और इसी साल 6 सीवन वाली क्रिकेट बॉल भी अस्तित्व में आ गई. तो फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल इसी साल भी अपने अस्तित्व में आई. अब इसके बाद वाला जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा. और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें. थैंक्स अ लॉट.